हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आरएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों, हमने चैप्टर नंबर 7 यानी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व हो गई थी। अब हमारी 7.3 आती है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1/2 -/3 x2/3 -/1 प्लस x3/1 -/2। ये आपको प्रूफ करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1/2 -/3 प्लस x2/3 -/1 प्लस x3/1 -/2, ये कहाँ से आया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए हमने एक निर्देशांक पर यानी एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश पर त्रिभुज बनाया क्या, ए बी सी। ठीक है, हमने ये वाला जो बिंदु लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपकी एक्स टू, और ये बिंदु है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है एक्स वन, और यहाँ से यहाँ तक है एक्स थ्री। ऊपर इस बिंदु को एक्स टू बाई टू लिख दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है आपकी एक्स टू, ये ऊपर वाली बाई टू, यहाँ से यहाँ तक x1, ऊपर y1, तो x1 y1, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक x3 और ये y3, तो x3 y3। अब हमें इस वाली दूरी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है x1 और ये x2, तो x1 माइनस x2। ऐसे ही आपको यहाँ से यहाँ तक की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारी टोटल है x3 और ये है x2, तो x3 माइनस x2। अब देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसमें समलंब चतुर्भुज नहीं तीन, कैसे। एक तो ये बी एफ ई ए प्लस ए ई डी सी में से ये वाला जो समलंब चतुर्भुज है आपका बी एफ डी सी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। चलते आते हैं, देखिए ये तो आपको सिद्ध ही करना है। ठीक है, आंसर तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कौन कौन से, ब्रैकेट में लिखते रहूँ या समलंब चतुर्भुज लिख दो बी एफ ई ए, बी एफ ई ए प्लस, ठीक है यही प्लस लगा दो, प्लस ए ई डी सी, ये तो प्लस हो गया, इसमें से माइनस कर दो बी एफ डी सी का क्षेत्रफल। देखो बच्चों ये आपका बी एफ ई ए ई डी सी, ये पूरा एरिया हो गया, इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, यहाँ से लिख देना 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाएं क्या है आपकी, बी एफ प्लस ए गुणा ऊंचाई कितनी है आपकी इसकी ई एफ, ऐसे ही इसका, तो समांतर भुजाएं क्या हैं 1/2 ए ई प्लस सी डी गुणा ऊंचाई कितनी है ई डी, माइनस करना है 1/2। अब देखो बी एफ समांतर भुजाएं बी एफ प्लस सी डी, और इसकी जो हाइट है वो है आपकी एफ डी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वैल्यू लगा देते हैं इसमें, कैसे 1/2 बी एफ यानी इसका मान बाई टू, ए एफ का मान बाई वन, ए एफ एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस 1/2 ए ई, ए का मान बाई वन, सी डी का मान बाई थ्री, और ई डी, ई डी यहाँ से यहाँ तक क्या है
ई डी इसकी ऊंचाई, सॉरी एफ डी है, ये वाली ऊंचाई जो है ई डी, इसकी ऊंचाई तो ई डी है। अरे भाई इस वाले की ऊंचाई ई डी है, तो यहाँ से ये वाली दूरी हटा दीजिए, कौन से X3 माइनस X1, यानी कि ई डी निकालने के लिए ये टोटल दूरी है X3, X3 में से X1 माइनस चला जाएगा, तो ई डी का मान कितना है आपका X3 माइनस X1, ठीक है, माइनस 1/2, 1/2। अब देखो 1/2 वी एफ का मान क्या है, Y2 प्लस Y3 सी डी का मान इंटू एफ डी, एफ डी का मान क्या है X3 माइनस X2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप इसे हम गुणा करते हैं, 1/2 पूरे में से कॉमन है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हमने क्या किया है, इधर हम चित्र मिटाते रहे, ठीक है, ये केवल सॉल्व करना है ऊपर लेके आना है, ये तो क्लियर हो ही गया था आपका, इसे डाल दे रहा हूँ, जिस भैया को नोट करना हो वो नोट कर लेगा। इसे हमने इतने को मिटाल दिया है, तो देखिए बहुत ही सरल है, ये लिखा है 1/2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो इसका इससे गुणा करेंगे, X1/2 प्लस X1/1 माइनस, अब X2 माइनस X2/1 अब प्लस इसका इससे 1/2 कॉमन है, तो ये होगा आपका X3/1 प्लस X3/3। अब माइनस का करेंगे तो -X1/1 -X1/3, ठीक है, माइनस ये हाल लगा लिया। अब देखो 1/2 तो बाहर ही, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस का होगा X3/2 और -X3/3 X3/3, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये आपके, तो क्या होगा आपका देखो माइनस प्लस X2/2 और X2/3। अब इसमें कुछ कट रहा होगा, देखो X1/1 से X1/2, X2/2 से X2/2 और X3/3 से X3/3, 1/2। देखो एक्स वर्ग यहाँ से और यहाँ से आपको कॉमन मिला, तो -X2/3 प्लस X2 कहीं से मिलेगा, देखो X2 कहाँ से मिल जाएगा, यानी X2 देखो इसमें से और इसमें से X2 मिलेगा, तो Y3 -Y1 प्लस आंसर हो चुका है देखो, प्लस अब आपको X3 इसमें से और इसमें से मिला, तो क्या बचा Y1 -Y2, यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, देखो किसी भी भैया को समस्या नहीं हुई होगी। अब देखेंगे सॉल्व क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आज इस वाली एक्सरसाइज को फिनिश ही कर लेंगे आप, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे हम पूरे को अब मिटा देते हैं। देखो इन्होंने कहा है एक्सरसाइज हमारी 7.3, चैप्टर 7 ही है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन लिखा क्या है, इसने क्वेश्चन कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कितने हैं, जिसके शीर्ष 2.3,
माइनस एक कोमा जीरो और दो कोमा माइनस चार। देखो ये आपका एक्स वन बाई वन, एक्स टू बाई टू, एक्स थ्री बाई थ्री, ये है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही अभी लिखा था, एक्स वन बाई वन प्लस एक्स टू वाई थ्री बाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। देखो बेटा ये हो गया, अब हम इसमें केवल वैल्यू लगाते हैं, एक बटे दो, दो वाई टू का मान जीरो, वाई थ्री का मान माइनस चार, प्लस एक्स टू का मान माइनस एक, वाई थ्री का मान माइनस चार, वाई वन का तीन, प्लस एक्स थ्री का दो, वाई वन का तीन, वाई टू का जीरो। देखो एक बटे दो, चार दूनी आठ, सात सात एक कम सात का आएगा प्लस का, तीन दूनी छः, आठ और छः चौदह, चौदह और सात, अरे आठ सात पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस बटे दो वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा, जल्दी नोट करिए, आप जल्दी नोट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर जल्दी नोट करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है मुझे मालूम है, आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, हुई है नहीं हुई है, चलिए इसी में टाल दे रहे हैं। इस सवाल को हम दो नियम से भी कर सकते थे। इसका सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ नोट कर लीजिए, एस डब्ल्यू माइनस एक, तीन माइनस पाँच, पाँच दो, ठीक है, ये आपको सेम करना है। अब हम क्वेश्चन कराते हैं सेकंड, और दूसरे नियम से भी कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल से छोटी सी विधि से आराम से हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेख हों। सरेख क्या होता है, बहुत ही सरल, सरेख से मन डरना। देखिए सरेख का मीन्स होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो, मीन्स जैसे कि सरेख है, ये लाइन खींची है ए बी सी, सरेख यानी एक ही सीध में, तो इससे त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा ना, नहीं बनेगा तो त्रिभुज क्षेत्रफल भी नहीं होगा, तो इसीलिए ये तीनों बिंदु सरेख हैं, इसका मतलब त्रिभुज नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जीरो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो होता क्या है, एक बटे दो एक्स वन बाई टू बाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री वाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू बराबर जीरो लेके चलेंगे, क्योंकि सरेख है। अब देखो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, ये y3 है, लगा दो एक बटी दो x1 सात, y2 की जगह वन, y3 की जगह क्या करेंगे k, प्लस x2 की जगह पाँच, y3 थ्री k, y1 की जगह माइनस प्लस टू, x3 की जगह थ्री, y1 की जगह माइनस दो, y2 की जगह वन इक्वल जीरो। ये तो उधर पहुंचा, इसका अंदर गुणा करो, सात माइनस सात के पाँच के पाँच दूनी दस, ये तीनों का तीन तिया नौ हो जाएगा। अब इसमें से घटाओ माइनस टू के, सत्रह सत्रह में से नौ जाएगा आठ बचेगा, वो भी कहेगा प्लस का। अब माइनस टू के बराबर माइनस आठ, माइनस से माइनस कटो के दो चौके आठ, के का मान दिया क्या आ गया चार। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो के बराबर, क्योंकि ये तीनों बिंदु सरेख है, यानी ये तीनों बिंदु सरेख सरेख है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसे मिटा रहे हैं हम। देखें अब इसी का सेकंड जो पार्ट है वो आपको करना है, एट वन के माइनस फोर
टू माइनस फाइव, ये भी तीनों बिंदु सरलरेख हैं तब भी काम। अब देखो थर्ड क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है इसमें, शीर्ष शीर्ष दिए हैं। देखो हम त्रिभुज बना देते हैं, ए बी सी क्या दिए हैं, जीरो कॉमा माइनस एक, अगला शीर्ष है दो कॉमा एक और जीरो कॉमा तीन। वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदु एक ये मिल गया, एक ये नाम हो गया आपका पी क्यू आर। इस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु क्षेत्रफल आई कह रहा है, इस क्षेत्र का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है, तो दोनों का निकालना है। तो पहले तो हम इसके बिंदु निकाल लो ना, ए बी का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, देखो लाला ठीक है, बराबर सूत्र होता है एक्स वन एक्स टू बटे दो वाई वन वाई टू बटे दो, सीधा लिखा लो एक्स वन, ये एक्स वन है ये वाई वन, जीरो प्लस दो बटे दो और वाई वन माइनस एक प्लस एक बटे दो। देखो जीरो प्लस दो बटे दो और ये इसमें से जीरो हो गया, दो एकम दो यानी एक माइनस जीरो हो गया इसका, क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा, क्यू का निर्देशांक क्या होगा, देखो क्यू के लिए तो क्या करेंगे, दो और जीरो, दो प्लस जीरो बट्टे दो और एक प्लस तीन बट्टे दो, दो एकम दो, एक तीन और एक चार, चार का दो, एक कॉमा दो हो गया। ऐसे ही इसे लाइन कर दे रहे हैं ठीक, आर का निर्देशांक क्या होगा, जीरो प्लस जीरो बटे दो, तीन माइनस एक बटे दो, तो देखो ये तो जीरो ही हो गया, तीन में से क्या दो, दो एकम दो, जीरो एक हो गया ठीक है। अब इस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालो और ए बी सी का निकालो। तो पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर का निकालते हैं, पी क्यू आर का क्षेत्रफल देखो इसे हम बिना सूत्र के करेंगे, एक बटे दो ठीक है, कुछ नहीं है सिंपल है। क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये बिंदु आए हैं आपके ये रख देते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखे एक जीरो, ये वाला कि पी का और क्यू का एक दो और आर का जीरो एक ठीक है, कोई सा ही पहले लिख सकते हैं आप, सिस्टम्स लिखेंगे एक दो तीन, इसे सबसे पहले लिख लो, फिर इसमें ये जो पहले लिखा है वो है द्वारा फिर लिख लेंगे ठीक है, ये चिन्ह बनाएंगे, ये हम ट्वेल्थ क्लास की तरह से सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका गुणा करेंगे, कैसे, एक दूनी दो प्लस का चिन्ह, एक एकम एक प्लस का चिन्ह, जीरो एकम जीरो, ये एक कोष्टक में कर लिया, यहाँ लगाएंगे माइनस चिन्ह, अब माइनस चिन्ह लगाएंगे फिर इसका करेंगे, जीरो का एक से जीरो, दो का जीरो से जीरो और एक का जीरो से एक का एक से एक ठीक है। दोबारा देखो एक का दो से दो, एक का एक से एक, जीरो ये हो गया, अब एक का जीरो से जीरो, दो का जीरो से जीरो, एक का एक से एक, एक बटे दो ये हो गया तीन और माइनस एक, तीन में से गया दो बटे दो, एक वर्ग इकाई, कोई दिक्कत, नो दिक्कत ठीक। अब क्या करेंगे, ऐसे ही त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बटे दो ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इधर निकाल दे, देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वही एक बटे दो। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप ये निर्देशांक लिख लो, यहाँ देखो ए के निर्देशांक क्या है, जीरो माइनस एक, बी की क्या है दो, एक सी की क्या है जीरो तीन और ये फिर ऊपर वाला जीरो माइनस एक ठीक, जीरो माइनस एक दो एक जीरो तीन, ये
अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 0 एकम 0, 3 दूनी 6 और 0, ठीक, माइनस चिन्ह लगाएंगे। फिर इसका उल्टा करते हैं, 2 एकम 2 का माइनस 1 0 और ये भी 0, तो क्या बना, 1/2 6 माइनस माइनस प्लस, 8/2 2 चौके 8, 4 वर्ग इकाई, इसका हो गया। अनुपात पूछा है, अनुपात तो क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखो ऊपर का 1 है, इसका 4 है, तो अनुपात कितना आ गया आपका, 1:4। इतना सरल था, बताओ कोई समस्या नहीं आई होगी किसी भी भैया को कहीं से, ठीक है, आ गया क्लियर, कोई बात नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर